पयागे गुहार हम मार रहे, जहाँ मारिन तो हम गुहार मार रहे, रुआवर रहे चरौरी बिनती करी हूँ एक नहीं मान। 25 दिसंबर को चित्रकूट जिले के मानिकपुर ब्लॉक के छेरिया खुर्द गांव में पुलिस के रिकॉर्ड में 5 लाख रुपए के इनामी डकैत बबली कोल के आदमियों ने कुछ लोगों को बुरी तरह से पीटा। पुलिस के मुताबिक गांव में शरण न मिलने के कारण इन ग्रामीणों से डकैत नाराज थे। इलाके में फिलहाल पुलिस मौजूद है और कॉम्बिंग जारी है। जंगल में एक गाय थी, वही गाय से सब उतरे थे, वही ठाउ बैठ रहे गायले में ताके। तो जहाँ वहाँ से आए है ना, जहाँ जैसा आगे पाछे निकलत गए उनसे मारत। कोई मांग वांग करी थी क्या? नहीं मांग नहीं थी, सीधे बैलगाड़ी वहाँ से उतारे हूँ, सीधे मारे लाग सीधे उनका लाठी। तीन तीन आदमी, चार चार आदमी, एक आदमी को मार रहे हैं, चार चार लाठी उनके साथ गिर रहे हैं। हम सीधे कहूँ पर रहे हैं, यही धर हाउकी है, ये कैसा ही न हमारे कुछ सुनते रहे। कि जान से मारने का उनका इरादा था या फिर घायल करना? घायल करने रहने धार कुल्हाई के यहाँ धरी थी, तो फिर कुल्हाई धार नहीं मारी, यही तो उनका मार दी उल्टा करके। सुंदर एक हमारे गाँव के है काका पी की है, तो पुलिस मकुर रहा था डराई बारी करत है, तो ही का नाम ले ले कह रहे हैं मारत हमारे हैं गाड़ी उन्हें दे रहे हैं कले मादर चोर सुंदर ले भोसड़ी वाले गौरी इनता गाड़ी उन्हें दे रहे। गौरी बदमाश है और सुंदर ड्राइवर है। हाँ ये स्थानीय है ड्राइवर, तो उनको दोनों को बुलाना चाह रहे थे वो? हाँ बुलाओ नहीं रहे उन्हें गाड़ी भाव दे रहे हैं और लाठी हमारे ऊपर मार रहे। अब बस चारा काटे उनके खातिर के तो मारे जंगल काटा थे, अब कौन घर पे सब आले नहीं है, महतारी है घर घर यहाँ मार दे और आया मुँह आपके देवन है। हाँ दादा के लड़का। तो जिस दिन से ये घटना घटी है उस दिन से पुलिस क्या आती जाती है गांव में? हाँ कत दिन के कत शाम के मनो आ जाती है या इनको उस दिन ले गई थी दवा कराने के लिए, बस घर में छोड़ गई है एम्बुलेंस, हो गया अब नहीं आए। तो पुलिस अभी रात में रुकती है यहाँ गांव में? हाँ वहाँ रुकती है। ग्राम छछरिया को थाना मारकुंडे में पब्लिक कॉल के गैंग के द्वारा जंगल में जब किसान लोग अपना चारा लेने गए थे तो लोगों ने उसके साथ मारपीट किया और उसकी बैलगाड़ी वगैरह रोक दिया था। इसके बाद पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में कॉम्बिंग की गई और उनकी बैलगाड़ी वापस ले गई, घायलों का मुकदमा लिख के आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। मुकदमा किन लोगों के नाम लिखा गया है? पब्लिक कॉल और उस गिरोह के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया। सिर्फ यादव जाति के लोगों को मारा? हाँ इसमें जो पीड़ित थे इस प्रकरण में वो यादव जाति। ऐसी क्या पहले भी कोई घटना हुई है गांव में? पहले का तो लोग नहीं बता रहे हैं, इस गांव में दरअसल उसको शरण नहीं मिलता था, इससे ऐसा माना जा रहा है कि उससे रुष्ट होकर उसने ग्रामीणों की पिटाई की। चित्रकूट में इस तरह के हादसे पहले भी हुए हैं जब शरण न मिलने की वजह से ग्रामीणों को डकैत द्वारा बुरी तरह से पीटा गया है।